आज का सेमिनार उन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जिन्होंने अभी अभी टेंथ का एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि वो अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि टेंथ पास होने के बाद हमने लाइफ में कौन सा फील्ड सिलेक्ट करना चाहिए, और उनको अलग अलग सजेशन अलग अलग लोगों के द्वारा मिलते जाते हैं। उसके कुछ आंसर्स हम आज लेकर आपके सामने पेश करते हैं, और ये सेमिनार 11th 12th के स्टूडेंट के लिए भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जो साइंस फील्ड से बिलोंग करते हैं। दे विल कम टू नो कि 11th 12th साइंस के बाद कौन से अपॉर्चुनिटीज उनके साथ अवेलेबल होती हैं, और वो कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम द्वारा आगे का फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं आकाश वनखड़े आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ, और कुछ पार्ट इस सेमिनार का ऋषिकेश मदनकर सर भी आपके सामने पेश करेंगे। हम AWA फैमिली हर साल ऐसे प्रकार के सेमिनार अप्रैल मंथ में रखते हैं 10th एग्जाम के बाद, सो दैट आप लोगों को सारी चीज़ें बिफोर यूर रिजल्ट एंड एडमिशन ही पता चले। लेकिन लॉकडाउन की वजह से इस साल हम ऑनलाइन आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस यूट्यूब चैनल। तो आगे आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि 10th के बाद आपके पास कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। सो आफ्टर 10th आपके पास पहला क्वेश्चन होता है कि हमने क्या करना चाहिए। तो अब आपको पता चलेगा कि पहला जो फील्ड है एक है पैरामेडिकल डिप्लोमा, जिसमें आप लोग नर्सिंग वेटरनरी ऐसे मेडिकल से रिलेटेड कुछ कोर्सेस या डिप्लोमा करके आगे आप थोड़े छोटे बड़े जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा आता है ITR, जो कहाँ पे 2 साल 3 साल या 1 साल के लिए होता है, बट हमने एवरेज यहाँ पे 2 साल लिखा हुआ है। तो ITR करने के बाद अक्सर पहले ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती थी कि आपको जॉब मिल सकता था, लेकिन अब वही लोग आगे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते जिनके पास टैलेंट है और जिनके पास नॉलेज है। उसके बाद आता है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, जिसमें अलग अलग स्ट्रीम रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर, IT, इलेक्ट्रिकल लाइकवाइज, और ये 3 साल का होता है। इसमें भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर एडमिशन मिला तो समझ लो बहुत अच्छी बात है, अदर देन प्राइवेट कॉलेजेस। और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद भी जॉब मिलने का आपके पास चांस होता है, अगर आपको नंबर्स अच्छे हैं, आपका अच्छे कंपनी में थोड़ा अगर सिलेक्शन हो सकता है, या फिर अदर कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स जो डिप्लोमा लेवल पे भी आपका रिक्रूटमेंट करते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग सोचते हैं कि बिफोर गोइंग फॉर जॉब दे शुड अप्लाई फॉर ग्रेजुएशन, सो दैट विल बी मोर हेल्पफुल, क्योंकि ये डिप्लोमा है और उसके बाद फिर आपको अगर डिग्री के लिए जाना है तो डिग्री फिर डिपेंड करता है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बाद 3 साल का ग्रेजुएशन आपको करना पड़ता है, वो फिर BE हो सकता है, BTEC हो सकता है। देन अदर थिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट 11th 12th साइंस, इसमें अलग अलग चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। एक जिसको जनरली स्टूडेंट जनरल साइंस बोलते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये चारों सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद इसके 2 अलग अलग ग्रुप भी होते हैं, एक वोकेशनल जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ साथ कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये अलग अलग स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट रहेंगे, लेकिन मेजर होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, तो इसको आप जनरली वोकेशनल बोलते हो। दूसरा सेकेंड ग्रुप रहता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, एट द सेम टाइम फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, ये अलग अलग स्ट्रीम आपके पास अवेलेबल होते हैं। फिर चाहे आप यहाँ वोकेशनल करके ग्रेजुएशन करो, या फिर ये PCB का ग्रुप लेकर ग्रेजुएशन करो, या फिर जनरल साइंस रख के ग्रेजुएशन करो, दैट विल बी मोर हेल्पफुल। अगर थोड़ा आप कन्फ्यूज होते हो यार ये वोकेशनल करने से अगर जनरल साइंस किया तो बेटर रहेगा क्या, तो फिर ये करने के बाद फिर आपके पास सारी फील्ड अवेलेबल रहेंगी, ओपन रहेंगी, क्योंकि इसमें फिर आप बायोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम नहीं दे सकते हो, इसमें फिर आप वो एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे सकते हो जिसमें मैथमेटिक्स होगा। लेकिन अगर जनरल साइंस आपके साथ है तो आप सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आगे बढ़ने से बताना चाहता हूँ, सारे एंट्रेंस एग्जाम को फोकस करने से बेटर है कोई भी एक एग्जाम को सिलेक्ट करो और उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो, सो दैट आपका कॉन्सेंट्रेशन भी अच्छा रहेगा और डेफिनेटली उसका आउटपुट भी अच्छा आएगा। और ग्रेजुएशन फिर अगेन उसके बाद आपको 4 साल का रहेगा अगर आप जैसे इंजीनियरिंग करना चाहते हो, अगर आप सपोज BSc करना चाहते हो, BBA करना चाहते हो, तो उसके लिए फिर 3 साल का रहता है, कोई MBBS के लिए जाना चाहता है तो उसके लिए 5 साल। तो डिपेंड करता है कि आप आगे कौन सा फील्ड सिलेक्ट कर रहे हो 11th 12th के बाद, अकॉर्डिंग टू दैट ग्रेजुएशन की ईयर्स वैरी हो सकते हैं। 11th 12th साइंस के बाद फिर कॉमर्स भी एक फील्ड आपके लिए ओपन है,
जिसके बेसिस के ऊपर आप सी ए सी एस इस सारी चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे 11th 12th साइंस के लिए, वैसे 11th 12th कॉमर्स के लिए भी होता है। उसमें अकाउंटेंट से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको पढ़ने पड़ते हैं। देन उसके बाद आता है आर्ट, उसमें बीए आर्ट करने के लिए फिर आप बीए के लिए अप्लाई कर सकते हो, बैचलर ऑफ आर्ट के लिए जो ग्रेजुएशन रहेगा। तो ये अलग अलग स्ट्रीम है जिसके बेसिस के ऊपर आप 10th के बाद डिसीजन ले सकते हो कि व्हाट विल बी द बेस्ट फॉर यू, डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट एंड योर होल बैकग्राउंड। ये 11th 12th साइंस से रिलेटेड जो एंट्रेंस एग्जाम आते हैं, और उसमें सबसे बेटा ट्रेंडिंग और मोस्ट वैल्यूएबल जो एंट्रेंस एग्जाम है वो है JEE मेन एग्जाम, जिसको आप जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोलते हो। और JEE मेन ये एग्जाम देने के बाद वही स्टूडेंट JEE एडवांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो उसमें क्वालिफाई करते हैं। उसका कुछ कट ऑफ रहता है, उससे अगर ज़्यादा मार्क्स, कास्ट वाइज भी उसका कट ऑफ अलग अलग रहता है, अगर उससे ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर JEE एडवांस। JEE मेन एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया तो उसके बेसिस के ऊपर भी आपको ऑल ओवर द इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस मिल सकते हैं। उसके बाद इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो आप 12 पास या अपीयर्ड होने चाहिए, और उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये तीनों सब्जेक्ट मैंडेटरी होते हैं। फिर यहाँ पे जनरल साइंस वाला स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दो स्टूडेंट बिलोंगिंग टू सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी। और ये JEE एग्जाम देने के बाद बेटा आप बी या बी टेक या फिर बी आर्किटेक्चर या फिर बी प्लानिंग, इसमें से कुछ कोई भी ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसके लिए JEE के पेपर अलग अलग होते हैं, पेपर 1 फॉर बी एंड बी टेक, पेपर 2 फॉर बी आर्किटेक्चर एंड पेपर 3 फॉर बी प्लानिंग। सो आपका इंटरेस्ट इस पर उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। इसका ज़्यादा डिटेल आपको आगे के स्लाइड्स में मिलते जाएगा। देन उसको उसका जो अप्लीकेशन करने का जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहता है। उसके बाद JEE एडवांस की जब बात करेंगे तो ये JEE एडवांस में जो अच्छे नंबर्स लाएंगे वही स्टूडेंट्स IIT NIT VIT ये ऑल ओवर द टॉप मोस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी PCM की ज़रूरत है, एट द सेम टाइम ऑनलाइन मोड उसका अप्लीकेशन का मोड रहेगा। लेकिन आई टोल्ड यू JEE एडवांस को जाने से पहले JEE मेन में क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है BITSAT, ये बिट्स पिलानी गोवा हैदराबाद इन्होंने खुद उनका एग्ज़ाम अलग रखा हुआ है जिसको वो BITSAT करके बोलते हैं। ये एग्ज़ाम के लिए भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मैंडेटरी है, और इसका भी एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा, इसका भी डिटेल आपको आगे पता चलेगा। सो दिस 3 एग्जाम्स JEE मेन एडवांस एंड BITSAT आर एप्लीकेबल फॉर इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर एंड बी प्लानिंग। तो अभी हम डिस्कस करेंगे JEE मेन एग्जाम के बारे में। ओल्ड पैटर्न आपकी आंखों के सामने इधर है, जिसको आप इधर नए पैटर्न के साथ डिस्कस करें, इसके ऊपर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बेटर है कि आप इसको टारगेट करिए। तो सबसे पहला सवाल है कि सर इसमें कितने पेपर्स होते हैं, तो 3 पेपर रहते। मैं जैसे बताया था बी और बी टेक के लिए पहला पेपर, बी आर्किटेक्चर के लिए सेकेंड पेपर, और बी प्लानिंग के लिए थर्ड पेपर। उसके बाद सेपरेट पेपर रहता है बी प्लानिंग के लिए, यस एग्जैक्टली। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं सर, तो बेटा JEE मेन में बी बी टेक के लिए जो पेपर आप देते हो उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होते हैं, 25 फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री के और 25 मैथमेटिक्स के। उसके बाद बी आर्किटेक्चर के लिए टोटल क्वेश्चन 77 होते हैं, तो बी प्लानिंग के लिए टोटल 100 क्वेश्चन। उसके बाद आता है टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं, तो बेटा बी बी टेक के लिए जो पेपर है JEE मेन का उसको टोटल 300 मार्क्स रहेंगे, 100 मार्क्स टू एवरी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बी आर्किटेक्चर को टोटल 400 मार्क्स और बी प्लानिंग के लिए टोटल 400 मार्क्स। ये JEE मेन का पेपर है। उसके बाद फिर आप एडवांस के लिए अप्लाई कर सकते हो वंस यू क्वालिफाई दिस JEE मेन। उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें ऑप्शंस नहीं रहेंगे, डायरेक्ट आपको करेक्ट आंसर खुद उत्तर लिखना पड़ता है। ऐसे टोटल JEE मेन के पेपर 1 में जो बी टेक के लिए उसमें टोटल 5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के रहेंगे। उसके बाद प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन, ये सिर्फ बी प्लानिंग के लिए अप्लीकेबल है, और अगेन 3 घंटे का पेपर रहता है,
और इसके फॉर्म सप्टेम्बर ईयर और फेब में आते हैं, और उसके एग्ज़ाम दो बार लिए जाते हैं, एक जनवरी में और एक अप्रैल में। और इसका वेबसाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप नोट डाउन हर स्लाइड को करिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लिया करिए, तो आपको कुछ डिटेल में इसके बारे में पता चल। और ये जो जेईई मेन का एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन रहता है, जिसमें पेन या पेपर का यूज़ आप नहीं कर सकते हो। कंप्यूटर सेटअप के ऊपर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। और थोड़ा मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताना चाहूँगा, बीटेक इसमें मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें 20 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 5 रहेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है, अगर बेटा करेक्ट आएगा तो आपको +4 मार्क्स मिलेंगे, अगर रॉन्ग होता है तो -1 मार्क आपको मिलेगा। ओके, उसके बाद बी आर्किटेक्चर में मैथमेटिक्स पहला पार्ट, इसमें 25 क्वेश्चन, अगेन 20 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 5 रहेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है बी आर्किटेक्चर के लिए, जो जिसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे, उसको भी एमसीक्यूज रहेंगे। और तीसरा होता है ड्राइंग टेस्ट, जिसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ते हैं और आपको ड्रॉ करके बताना पड़ता है। बी प्लानिंग में अगेन मैथमेटिक्स रहता है, उसमें वापस 25 क्वेश्चन, 20 ऑब्जेक्टिव एंड 5 इज न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट होता है बेटा, 50 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, वो भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और एक होते हैं प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चंस, इसमें 25 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे। और ये पैटर्न है जेईई मेन के एग्ज़ाम का। ये जेईई मेन अलग, जो ऑल ओवर द इंडिया लेवल पे लिया जाता है, और एमएसटी सीईटी बेटा हर स्टेट के लेवल पे लिया जाता है। जैसे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो सीईटी एग्ज़ाम है उसको एमएसटी सीईटी बोलते हैं, उसका पेपर 3 घंटे का रहता है, और उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये 3 सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करके इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी रहता है सीईटी में, वो आपको ऋषिकेश सर एक्सप्लेन करेंगे। इसमें फिजिक्स में 50 क्वेश्चन रहते हैं, केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन, मैथ्स में 50 क्वेश्चन, एंड टोटल होते हैं 150 क्वेश्चन। लेकिन डोंट फॉरगेट, फिजिक्स के हर क्वेश्चन को 1 मार्क्स रहेगा इसलिए 50 मार्क्स, केमिस्ट्री की भी हर क्वेश्चन को 1 मार्क्स रहेगा इसलिए 50 मार्क्स, मैथ्स के हर क्वेश्चन को 2 मार्क्स रहते बेटा इसलिए 50 × 200 मार्क्स, यानी टोटल पेपर हो जाएगा 200 मार्क्स। यानी सीईटी का जो आपका मार्कशीट बनता है वो 200 मार्क्स का बनता है। और आप अगर जनरल साइंस वाले हो तो आप पीसीएम ग्रुप लेकर भी सीईटी दे सकते हो, या फिर पीसीबी ये ग्रुप सिलेक्ट करके भी, या फिर दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, पीसीएम और पीसीबी बोथ। इसलिए जनरल साइंस वालों के पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, और जो वोकेशन वाले हैं वो दो में से एक ही ग्रुप को सिलेक्ट करके एक पेपर दे सकते हैं। और इसके फॉर्म जो आते हैं वो जनवरी महीने में आते हैं, उसके बाद उसका लास्ट डेट फरवरी महीने में रहेगा। और एग्ज़ाम जनरली पहले मई में होता था, अब थोड़ा सा वेरी करके उन्होंने अप्रैल में भी रखा है, तो हमने यहाँ फिलहाल मई लिखा है, डिपेंड्स अप्रैल या मई में रहेगा। और उसके बाद इसके सारे फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम आकाश वनकड़े सर। इसके आगे का पार्ट मैं हैंड ओवर करता हूँ मिस्टर ऋषिकेश मदनकर सर। मैं ऋषिकेश मदनकर फ्रॉम AWA, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेडिकल के लिए कौन सी एग्ज़ाम रहती है। नीट जो एग्ज़ाम रहती है वो ऑल ओवर द इंडिया सबके लिए कॉमन रहती है, और बेसिकली ये एग्ज़ाम MBBS, BDS, BHMS, BAMS इनके लिए होती है। ये जो भी एग्ज़ाम है नीट, ये ऑनलाइन रहती है, इसका पेपर भी ऑनलाइन रहता है, और यहाँ पे आपको पेन और पेपर मोड में एग्ज़ाम नहीं देना है, सब कुछ ऑनलाइन ही हो गया है। और जो भी CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी जो भी इंजीनियरिंग सर ने बताया है आकाश सर ने, तो वो भी ऑनलाइन ही है, फिर वो JEE रहे या महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की CET एग्ज़ाम रहे। तो नीट में क्या आता है, तो बेसिकली 3 सब्जेक्ट, दैट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 45, केमिस्ट्री में भी 45, लेकिन बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस आते हैं, 45 क्वेश्चंस फ्रॉम बॉटनी एंड 45 क्वेश्चंस फ्रॉम द जूलॉजी। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 180, और टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 720 मार्क्स होते हैं। इसमें भी निगेटिव मार्किंग्स अवेलेबल है,
तो यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर देते हो तो 4 मार्क्स मिलते हैं, अगर रॉन्ग हो जाता है तो आपके मार्क में से 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम MSTCET, जिन लोगों का एम BSc एग्रीकल्चर या डी फार्म करना रहता है तो उनके लिए MSTCET महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ये एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। इसमें अगेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और जो क्वेश्चंस है फिजिक्स केमिस्ट्री के 50-50 क्वेश्चंस और बायो के 100 क्वेश्चंस, और टोटल क्वेश्चंस 200 और टोटल मार्क्स भी 200। इसमें बायो के फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को एक क्वेश्चन को एक ही मार्क रहता है, और इनके जो फॉर्म्स है वो जनवरी में निकलते हैं, और इनकी जो एग्ज़ाम रहती है वो अप्रैल या मई में होती है, और इसके जो फॉर्म्स है वो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट मेडिकल के लिए एग्ज़ाम रहती है, दैट इज़ जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, तो ये भी ऑनलाइन ही रहती है। और यहाँ पे इस जो भी एग्ज़ाम है उसका जो ड्यूरेशन है वो 2.5 आवर्स, और उसमें जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लॉजिक एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग इंग्लिश, ये सब सब्जेक्ट का आपको स्टडी करना पड़ता है। इसके अलावा कोई ऐसे इंस्टीट्यूट है इंडिया में कि जो खुद की मेडिकल के लिए एग्ज़ाम लेते हैं, तो इसमें जैसे कि 5 इंस्टीट्यूट है जो खुद की एग्ज़ाम लेते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एम्स, CMC वेल्लोर, CMC लुधियाना, JIPMER और मणिपाल यूनिवर्सिटी की भी खुद की एग्ज़ाम हो जाती है। इसके बाद में जिन लोगों का एम मरीन, नेवी या डिफेंस सेक्टर में जाना है तो उनके लिए जो भी एग्ज़ाम्स है, तो मरीन के लिए इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसके लिए भी आपको साइंस चाहिए और आपके जो सब्जेक्ट है वो PCM होने चाहिए। और ये जो भी एग्ज़ाम है इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन रहता है, और ये जो भी वेबसाइट है इस वेबसाइट में सारी डिटेल्स इसके बारे में दी है। इसके बाद में अगर आपको नेवी में जाना है तो इंडियन नेवी बीटेक एंट्री स्कीम, ये भी एग्ज़ाम रहती है, इसमें आपको 12th पास होना ज़रूरी है और आपकी जो भी सब्जेक्ट है वो PCM ज़रूरी है, यानी कि अगर आपको बीटेक नेवी में करना है तो। इसके बाद में इंडियन नेवी सेलर्स रिक्रूटमेंट, ये 24 वीक्स बेसिक ट्रेनिंग एट INS चिल्का फॉलोड बाय प्रोफेशनल ट्रेनिंग, इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो 12th चाहिए, लेकिन आपके जो सब्जेक्ट है मैथ्स कंपलसरी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और कंप्यूटर साइंस, ये बायो कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल है, और इसका जो भी मोड है वो अप्लीकेशन आप कर सकते हो ऑनलाइन या बाय पोस्ट, और इसकी जो डिटेल है joinindiannavy.gov.in पे दी गई है। जिन लोगों का एम डिफेंस में जाना है तो उनके लिए फेमस जो एग्ज़ाम रहती है दैट इज़ इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम, इसमें भी आपको 12th पास होना चाहिए, और उसमें 12th में अगर अपीयर भी हो तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, जिसमें PCM सब्जेक्ट कंपलसरी है। इसके बाद में आपने सुना होगा दैट इज़ NDA, दैट इज़ नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन, तो ये जो भी एग्ज़ाम है अगर आपको आर्मी या एयरफोर्स विंग में जाना है तो इसके लिए आप ये एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी है, और ये 4 इयर्स का बीटेक कोर्स है जिसमें आप इंडियन नेवल एकेडमी कोर्स इस नाम से ये कोर्स जाना जाता है, और इसके लिए आप 12th क्लास में अपीयर्ड या पास होना ज़रूरी है, और अप्लीकेशन ऑनलाइन रहता है, और इसी की डिटेल फर्दर दी है इंडियन आर्मी। इसमें एज का सबसे बड़ा क्राइटेरिया रहता है कि आपका जो एज है 16.5 से 19 ईयर तक ही होना चाहिए, और इंडियन नेवी एंड नेवल एकेडमी में भी वही ईयर्स है, इंडियन एयरफोर्स के लिए भी वही ईयर्स है, और आपको कंपलसरी एक तो 12th अपीयर या 12th पास होना ज़रूरी है। इसके बाद में ये जो भी NDA की एग्ज़ाम रहती है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं वो देखेंगे,
देखो एनडीए में पेपर वन पेपर टू, पेपर वन में ओनली मैथमेटिक्स, जो 12th का मैथमेटिक्स है 11th 12th मिला के वो कंपलसरी है, और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 क्वेश्चंस रहते हैं और टोटल मार्क्स 300 रहते हैं, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चंस रहता है। उसके बाद में सेकंड पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री जनरल साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, यानी अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री ये तो रहेगा ही, एट द सेम टाइम आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स का भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इसके जो फॉर्म्स है वो जनवरी या फेब में आते हैं, लेकिन दो बार आते हैं, जान फेब या जून जुलाई में, और लास्ट डेट फेब या जुलाई होती है, और टेस्ट मार्च अप्रैल या सितंबर अक्टूबर में होती है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहती है पेपर वन पेपर टू, जैसे कि पेपर वन रिलेटेड टू मैथ्स और पेपर टू जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री जनरल साइंस सब कुछ आएगा। टोटल जो मार्क्स है दोनों पेपर मिला के वो 900 मार्क्स रहते हैं। इसमें जो भी 150 क्वेश्चंस हैं पेपर टू में, तो उसमें 200 प्लस 400 ऐसे डिवाइड किए हैं मार्क्स, यानी टोटल पेपर टू आपका 600 मार्क्स का होता है और पेपर वन 300 मार्क्स का। और इसके जो भी फॉर्म्स हैं वो सब फॉर्म्स ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं। इसके बाद में जिन लोगों का यानी इंटरेस्ट अगर फैशन डिजाइनिंग में है, जो क्रिएटिव लोग रहते हैं, तो उनके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट ये होती है, ये भी आपको 12th पास होना चाहिए या ग्रेजुएट अगर हो तो भी आप इसमें अप्लीकेबल हो। इसका जो भी एप्लीकेशन मोड है वो ऑनलाइन है और इस वेबसाइट पे इसकी डिटेल दी है। इसके बाद में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एडमिशन कोर्स होता है, ये कोर्स 4 ईयर का है, जिसमें अगर आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करना है या 2.5 ईयर का भी कोर्स रहता है, इसके लिए भी एलिजिबिलिटी 12th या 12th प्लस या ग्रेजुएशन कंपलसरी है। इसके बाद में ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिज़ाइन, जैसे AIEEE रहती थी टेक्निकल के लिए, वैसे ही डिज़ाइन के लिए AIEEE ये एग्ज़ाम होती है। इसका भी ड्यूरेशन, इस कोर्स का ड्यूरेशन 4 ईयर्स है और ये अंडर ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम्स हैं इन डिज़ाइन। इसके लिए एलिजिबिलिटी 11, 12 और अप्लीकेशन ऑनलाइन रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट, जो जिन बच्चों का इंटरेस्ट एग्रीकल्चर या होटल मैनेजमेंट में है, उनके लिए एक जो भी एग्जामिनेशन है, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 12th पास अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, क्योंकि रिसर्च से रिलेटेड है। इसके भी फॉर्म्स ऑनलाइन आपको अवेलेबल होते हैं। जिनका एम होटल मैनेजमेंट करना है तो उनके लिए भी NCH MCET JEE एग्ज़ाम होती है होटल मैनेजमेंट के लिए। इसमें एडमिशन इन BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन और एलिजिबिलिटी क्लास 12। और एक फेमस एग्ज़ाम है जिनको प्योर साइंस में ही कुछ करियर करना है, तो KVPY इस नाम से ये फेमस है, दैट इज किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, एक फेलोशिप एंड एडमिशन टू ISC बैंगलोर इन 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री होती है, जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 11, 12, UGPG सब ये अप्लाई कर सकते हैं। ये भी ऑनलाइन रहता है और अगर आपको अप्लाई करना है तो इस वेबसाइट पे उसकी डिटेल दी गई है। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, अगेन अगर आपको रिसर्च के फील्ड में जाना है तो 5 ईयर्स का BS MS डिग्री प्रोग्राम है। इसके लिए भी एलिजिबिलिटी आप 12th पास होना चाहिए और अप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन कर सकते हो। नेक्स्ट एग्ज़ाम, दैट इज नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, ये 5 ईयर्स का
कोर्स रहता है जिसमें एमएससी प्रोग्राम इन बायोलॉजिकल केमिकल मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंस से रिलेटेड है। इसमें आपको 12th और PCMB ये ग्रुप होना चाहिए, यानी जनरल साइंस कंपलसरी आपने लेना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। इसकी जो अप्लीकेशंस है वो ऑनलाइन रहता है। इसके बाद में ये तो साथ साइंस से रिलेटेड जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, अब जो स्टूडेंट कॉमर्स फील्ड सिलेक्ट करते हैं तो उनके लिए एक तो आपको बीकॉम कर सकते हो या फर्दर जाके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आप CA यानी जो भी अकाउंट से रिलेटेड करियर है वो आप क्लियर कर सकते हो। तो इसमें देखो कॉमर्स फील्ड में दैट इज बीकॉम ये 3 years का होता है, उसके बाद में बैचलर इन कॉमर्स ऑनर्स BSc फाइनेंस BBA फाइनेंस BFA एंड BCom प्रोफेशनल, ये सारी फील्ड कॉमर्स से रिलेटेड है। लेकिन देखो अगर आपने साइंस लिया है 11th 12th में और अगर आपको आगे जाके साइंस नहीं करना है, अगर कॉमर्स में जाना है, तो आप 12th साइंस होने के बावजूद आप BCom कर सकते हो। लेकिन किसी स्टूडेंट ने अगर 11th 12th में कॉमर्स लिया है और उसको अगर ग्रेजुएशन साइंस में करना है BSc करना है तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी 11th 12th साइंस करके करने के बाद में स्टूडेंट BSc भी कर सकता है, BCom भी कर सकता है और BA भी कर सकता है, लेकिन वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपको CA करना है तो CA की डिटेल इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे दिया है। अगर आपको CS, CWA, CFA ये सब कॉमर्स से रिलेटेड फील्ड है, अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो सबकी इंफॉर्मेशन डिटेल इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पे आपको अवेलेबल है और ये सभी आपको आफ्टर 12th या आफ्टर बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद में आप ये कोर्सेस कॉमर्स से रिलेटेड कर सकते हो। और पाथ फॉर CA यानी CA अगर आपको करना है तो देखो CA फाउंडेशन इसमें क्या कर सकते हो कि ग्रेजुएशन करने के बाद में आपको ये एग्ज़ाम देनी पड़ती है। एग्ज़ाम देने के बाद में यहाँ पे आपको IPCC या 9th month का एक कोर्स रहता है ATC, ये कोर्स करने के बाद में 100 hours का IIT का कोर्स रहता है। उसके बाद में अंडर CA के अंडर किसी CA के अंडर आपको वर्क करना पड़ता है। उसके बाद में आपको जो भी CA की फाइनल एग्ज़ाम है वह आपको क्लियर करनी पड़ती है, इसके बाद में आप CA हो सकते हो। इसमें क्या रहता है तो 2 hours की एग्ज़ाम रहती है, इसका मोड ऑनलाइन या पेन पेपर से भी दे सकते हो। इसमें आपको अकाउंटिंग के मार्क्स 60, उसके बाद में परसेंटाइल लॉ इसके 60, इकोनॉमिक्स के 60 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 60, ऐसे टोटल 240 मार्क्स का एक पेपर होता है जो CA के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने साइंस भी नहीं लिया कॉमर्स भी नहीं लिया तो नेक्स्ट फील्ड है दैट इज आर्ट्स, इसमें ज़्यादा कोई यानी करियर के लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। इसमें BA 3 साल का कोर्स कर सकते हो या BA ऑनर्स वो भी 3 साल का है या बैचलर ऑफ रूरल स्टडीज़ ये भी 3 साल का है और इसके बाद में आप MA वगैरह करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे सकते हो। या जिन लड़कों का या लड़कियों का इंटरेस्ट तीनों फील्ड में नहीं है साइंस कॉमर्स या आर्ट और वो अगर लॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट ये पिछले 1-2 साल से ही इंट्रोड्यूस किया है। अगर आपको LLB करना है आफ्टर 12th तो ये एग्ज़ाम देनी पड़ती है। या इसमें और एक आया है दैट इज एडमिशन इन BA LLB ऑनर्स BCom ऑनर्स या BA LLB ऑनर्स, तो इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए। इसका जो भी मोड है वो ऑनलाइन या बाय पोस्ट रहता है। इसकी सारी
detail.clat.ac.in इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। उसके बाद में और अगर आपको पूरे ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट होती है, इसमें भी BA, LLB ऑनर्स या LLM, PhD इंफॉर्मेशन थी जो आप 10th के बाद में या 11th, 12th के बाद में आपका जो भी करियर है उसको आप शेप कर सकते हो, और जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो वो फील्ड आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हो।